और अब मैं संजीव जी से कहूंगा कि वो उन्हें कुछ कहना है प्रेस से। नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोगों से शेयर करना था। आप लोग देखे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से पीडब्ल्यूडी का काम ठप पड़ा हुआ है, और जब मैं इसका तहकीकात करने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक एफओबी बनना था, जो जहांगीरपुरी हमारा हॉस्पिटल है उसके पास एक एफओबी बनना है, वहाँ के लोगों को रोड पार करने की कोई जगह नहीं है, तो आज से एक साल पहले उसका टेंडर किया गया था, लेकिन आज भी वो अधर में अटका हुआ है। जब हम उसकी तहकीकात करने के पता चला कि केवल एफओबी नहीं, जितने भी पीडब्ल्यूडी के कामकाज हैं, एक भी काम नहीं हो रहा है, और जब जानकारी लेने लगा तो जानकारी जो हाथ लगी सुन के उसको देखकर मैं दंग रह गया। पता ये चला जी अभी सचिव पीडब्ल्यूडी हैं, उन्होंने एक फिक्स फॉर्मूला बना रखा है, खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, बिना किसी लेन देन के एक काम नहीं होता। जैसा मैंने बताया कि एफओबी के बारे में ये पता चला कि फ्रांस की किसी कंपनी को बेनिफिट देने के लिए इस काम को जानबूझकर रोका जा रहा है। पता ये चला कि जब पहले काम होता था तो एक क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट हुआ करती थी QAT, जो हर महीने किस क्वालिटी का काम हो रहा है इसकी जानकारी सरकार को देती थी, लेकिन जो ही अश्विनी कुमार जी आए उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट को बंद करा दिया। पता ही चला कि सरकार के बार बार कहने के बावजूद क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट शुरू नहीं हुआ। अभी महिला सुरक्षा को लेकर के कैमरे लगाने का निर्णय सरकार ने लिया था, पिछले 6 महीने से उसमें तमाम फर्जी तरह से उनके क्वेरी उसमें होता है। उसमें भी पता चला कि किसी दो बड़े कंपनी, चूँकि इनकी बातचीत हो चुकी है, तो किसी तरह से ये चाहते हैं कि उन दो बड़े कंपनियों को काम मिले, इसीलिए जानबूझकर उसमें वो क्वेरी लगा रहे हैं, जानबूझकर उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मैंने ये जानकारी, मैंने अभी चिट्ठी CM साहब को, सारी बातों जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, इन सारी बातों की जानकारी अभी मैंने CM साहब को दी है, उनको मैंने चिट्ठी लिखा है। उनको मैंने कहा, देखिए चूँकि विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके पास है, उनको ये पता है कि अगर किसी तरह की इंक्वायरी भी होगी उनका कुछ नहीं, बालबाका नहीं होने वाला है, इसीलिए जानबूझकर खुले तौर पर PWD में भ्रष्टाचार चल रहा है। मैंने ये संज्ञान अपने CM साहब को भी दी है, और मुझे लगा कि प्रेस के जरिए ये जानकारी जनता को ही पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।